इंजीनियरिंग एकेडमी, माइसेल मुस्तफा शेख, और आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है बीएफ साइंस कोर्स। बीएफ साइंस होता है क्या, इसके बारे में ए टू जेड फुल डिटेल आज हम ये वीडियो में देखने वाले, ठीक है। तो ये जानने से पहले हम देखेंगे बीएफ साइंस कोर्स होता है क्या, मतलब बैचलर ऑफ फिशेज ऑफ साइंस। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको फिशेज के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, डीप स्टडी करेंगे आप इसके ऊपर, जिसको इंटरेस्ट है साइंस, मतलब फिशेज से इंटरेस्ट है ये सब, ठीक है। तो उसकी फीस देखेंगे हम आज, इसकी फीस कितनी, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने इयर्स का ये रहता है ड्यूरेशन ऑफ बीएफएस साइंस, और एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका आप ये भी देखेंगे, एंट्रेंस एग्जाम कैसा है, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा वो देखेंगे, टॉप इंस्टीट्यूट कौन से आगे चल के, और फिर सब्सक्राइब, देखो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करो, ठीक है। जॉब एरियाज कौन से जॉब एरियाज अगर आप बीएफएस कोर्स कर रहे हो तो, ठीक है, और जॉब प्रोफाइल कौन से रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फीस फर्स्ट आता है फीस, तो फीस की बात करें तो इसमें 50,000 टू 1.5 लाख तक आपको लगेगा इसमें फीस, ये एवरेज फीस बता रहा हूँ मैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है आप कौन सी कॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। और फिर एलिजिबिलिटी, इसको 12th पास आपका रहना चाहिए साइंस फील्ड से विद बायोलॉजी सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 4 years का ड्यूरेशन रहता है विद 8 semester सिस्टम के साथ, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको दो दो करके सेमेस्टर मिलेंगे इसमें। और एंट्रेंस एग्जाम इसका कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और टॉप इंस्टीट्यूट, जॉब एरियाज और जॉब प्रोफाइल क्या है वो हम आगे, अब हम देखते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देके भी दे सकते हैं, ठीक है। वो कॉलेज के ऊपर बेस है तो आपको डायरेक्टली ले रहे हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम से ले रहे हैं, आपके ऊपर भी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देके देना है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन से कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, फिर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस सेट, मतलब सीईटी, और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरीज, और फिर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंट्रेंस कॉमन टेस्ट। तो ये था इसका एडमिशन प्रोसेस। अब हम इसके आगे देखेंगे टॉप इंस्टीट्यूट कौन सी है, जॉब एरियाज क्या है, और जो देखेंगे, चलो पहले इसको लिख के ले लो। तो अब हम देखते हैं इसका टॉप इंस्टीट्यूट कौन सी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरीज ऑफ साइंस, केरला में, फिर सेकंड आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई में है, और फिर कॉलेज ऑफ फिशरीज बिहार में है, ये सब इंस्टीट्यूट के नाम है, ठीक है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब में है, तो ये पंजाब का नाम है तो पंजाब में ही होगा, और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, और असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी असम में, ठीक है। ये था टॉप इंस्टीट्यूट। अब आप आगे देखें इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और जॉब एरियाज कौन से। अब हम देखते हैं इसका जॉब एरियाज क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। इससे पहले हमने टॉप इंस्टीट्यूट देखे थे, एलिजिबिलिटी फीस के बारे में देखें। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जॉब एरियाज एंड जॉब प्रोफाइल, अगर आप बीएफएस साइंस कर रहे हैं तो कौन से एरियाज में आपको जॉब मिल सकती है वो देखेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट आता है फिश फार्म, मतलब फिश फार्म में भी आपको जॉब मिल सकती है, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, फिर एक्वेरियम में, मतलब जो पानी का रहता है, एंड फिशेज, एंड फिर आता है फिश डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जा सकते हैं, फिर फिश ब्रीडिंग सेंटर एक सेंटर होता है, ठीक है। और फिर आता है नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फिश डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं जॉब एरियाज, अगर आप बीएफ साइंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है जॉब प्रोफाइल कौन से आपको प्रोफाइल पे मिल सकता है, जैसे असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर टेक्नीशियन बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट ले सकते हैं आप इसमें, और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बीएफ साइंस कोर्स होता है क्या, इसके बारे में ए टू जेड डिटेल आज हम ये वीडियो में देख चुके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, देखो एक सब्सक्राइब अभी बढ़ गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के ऊपर, नए कोर्स के ऊपर, जुड़े रहिए संजरी एकेडमी से।